डिफेंस वाड़ी क्षेत्र में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के तहत वेना जल शोधन और वितरण केंद्र की है, लेकिन दूषित जलापूर्ति होने से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया गया है। शुद्ध जलापूर्ति करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभाग जिला अध्यक्ष संतोष नरवाड़े के नेतृत्व में बुधवार को वेना जल वितरण केंद्र पर मोर्चा निकलेगा। वाड़ी में हो रही दूषित जलापूर्ति को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुंबई में मंत्री जयंत पाटिल को ज्ञापन सौंपा। बताया कि शहर को कई दिनों से दूषित जलापूर्ति हो रही है, कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। अब नागरिकों का मोर्चा सीधे कार्यालय पर धड़केगा। उपभोक्ता पानी बिल का भुगतान समय पर करता है, लेकिन उन्हें स्वच्छ पानी नहीं दिया जाता। स्वच्छ पानी की मांग को लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बुलंद आवाज कर समस्या को उठाने की बात संतोष नरवाड़े सुरेंद्र मोरे ने कही। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।